बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब बच्चे ठीक हैं? आई एम योर रिसेप्शन टीचर। ओके, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश राइटिंग बुक। इंग्लिश राइटिंग बुक का हम पेज ओपन करेंगे। चले सब बच्चे मेरे सब बुक ओपन करेंगे। ओके जी, ये है हमारा पेज नंबर 59। इस पर कौन सा लेटर आप देख रहे हैं? लेटर आई। इसको हम फोनिक्स में कैसे पढ़ेंगे? ई। लेटर आई को हम फोनिक्स में कैसे पढ़ेंगे? ई। ई ई इंजेक्शन, ई ई इग्लू, ई ई इंजेक्शन, ई ई इग्लू। इंजेक्शन का पता है ना आपको क्या आता है? जो हमें डॉक्टर से लगता है जब हम बीमार होते हैं तो, ठीक है। और ये इग्लू एक होम होता है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। ओके ओके जी, ये है पेज नंबर 60। इस पर क्या बने हुए हैं इमेज के? ई और आई के। आई के बने हुए इंकपॉट। ई ई इंकपॉट, ई ई इंसेक्ट। अगेन रीडिंग करेंगे लाउडली। ई ई इंकपॉट, ई ई इंसेक्ट, ठीक है। अब हम आते हैं पेज नंबर 61 पे। पेज नंबर 61 पे इसकी राइटिंग फॉर्मेशन है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये टू लाइंस के अंदर ई लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, सब बच्चे अपनी पेंसिल पकड़ लें जल्दी से, और अब इसकी राइटिंग फॉर्मेशन देखते हैं। एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, बहुत सिंपल सा है, आपने कुछ भी नहीं करना। ये देखें, हमने इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। मेक अ स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या बन जाएगा? आई एंड ई। ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कितनी पिक्चर्स बनी है? 4। इंपॉट, इंजेक्शन, इंसेक्ट एंड इग्लू। आप इसमें कोई से भी कलर कर सकते हैं। इंजेक्शन आपने देखा है, रेड कलर कर सकते हैं इंजेक्शन में। इग्लू ब्लू कलर का कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमारे कलर्स हैं, और आप लोगों ने इसमें से कोई से भी सिलेक्ट कर लेने हैं अपनी पसंद के, जो आपको अच्छे लगते हैं। और अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, ये देखें हमारे पेज नंबर 62 पे है वर्डशीट। आई की वर्डशीट है। आई एंड ई एक ही साउंड है, आपने इसको फोनिक्स में याद करना है, और सिंपल अल्फ़ाबेट में भी। चलें जी, ट्रेसिंग करेंगे यहाँ पे। पहले हम लोग ये देखें, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और साथ साथ हम याद भी करेंगे, रीडिंग भी करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। ई ई इंजेक्शन, ई ई इग्लू, ई ई इंकपॉट, ठीक है, ई ई इंसेक्ट्स। चलें जी, कलर भी आपने इसमें करने हैं, और ये वही पैटर्न है जो हम लास्ट में फॉलो करते आ रहे हैं, कि हमने जो हमारा लेटर है उससे रिलेटेड पिक्चर्स को कलर करना है, ठीक है। हॉर्स में कलर नहीं करना आपने, और हैमर में कलर नहीं करना, ठीक है। ये तीनों चीज़ों में आपने कलर करने हैं, इंसेक्ट में, इंकपॉट में एंड इग्लू में। ओके बच्चों, चले नेक्स्ट लेटर पढ़ते हैं। ओके जी, ये है हमारा इंग्लिश राइटिंग बुक का पेज नंबर 40। इसके ऊपर कौन सा लेटर नजर आ रहा है आपको? जे। जे को फोनिक्स में कैसे पढ़ेंगे? जा। जैम एंड जैली, जैम एंड जैली, जिगली ऑन द प्लेट, ऐसे हमने फोनिक्स में पढ़ा था ना, आपको याद है। चलें जी, अब हम लोग सब बच्चे क्या करेंगे इसमें, मैं आपको कलर्स बता देती हूँ कौन से करने हैं। ये क्या बना हुआ है? पहले ये देखें, जग है। जे जा जग, जे जा जूस। ये जूस का गिलास है ना, ठीक है। ये इसमें आइस क्यूब्स हैं, ये इस पे चेरी है, और ये इस पे लेमन है, ठीक है। आप लोगों ने इसमें प्यारे प्यारे से कलर्स करने हैं। और अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 41 पे, ठीक है। पेज नंबर 41 पे क्या बना हुआ है? जे जा जैली, जे जा जग। अगेन मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, जे जा जैली, जे जा जग, ठीक है। जैली हम कोई से भी कलर की भी कर सकते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, पर्पल, ग्रीन, ठीक है बच्चों, क्योंकि हम जैली खाते हैं ना, किसी भी कलर की होती है ना। चलें अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके जी, हम आ गए हैं पेज नंबर 42 पे। पेज नंबर 42 पे क्या है? इसकी 4 पिक्चर्स बनी हुई, अभी हमने लास्ट पेज पे रिवाइज किया है। जे जा जैली, जे जा जग, जे जा जूस, जे जा जैकेट। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी राइटिंग फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। ये देखें जी, एक ये बड़ा वाला जे है, हमने इसको ट्रेस करना है सबसे पहले डॉट्स के ऊपर, पैटर्न को फॉलो करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये देखें ऐसे, ओके। एक हम छोटा सा डॉट लगाएंगे उसके ऊपर, तो ये हमारा बन जाएगा जे, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, ये देखें, थ्री लाइंस के अंदर हमने जे को ट्रेस करना है। ये देखें जी, ओके ना, थ्री लाइंस हमारी, और ये ऊपर छोटा सा डॉट। चलें अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 43 पे। पेज नंबर 43 पे क्या बना हुआ है? सेम पैटर्न वही है जो अभी हमने पढ़ा है पेज नंबर 42 पे।
जे को ट्रेस करना है यहाँ पे फ्री लाइन्स के अंदर, और कलर जे पिक्चर्स, ठीक है, जे की पिक्चर्स को फाइंड करना है और हमने उसमें कलर करने हैं। हॉर्स को कलर नहीं करना हमने, ठीक है, और हमने इग्लू को कलर नहीं करना, ठीक है बच्चों, हमने करना जग को, जेली को और जूस को कलर करना है। अब आप सब लोग मेरे साथ बोर्ड पे आएंगे। ओके जी, अब हमने बुक से पढ़ लिया, अब मैं आपको बोर्ड पे प्रेजेंटेशन देती हूँ कि जैसे हमने कैसे इसकी राइटिंग फॉर्मेशन करनी है और क्या क्या पिक्चर्स बनी है। सब बच्चे मेरे साथ बोर्ड पे आएंगे। ओके जी, हमारा टुडेज लेटर इज आई एन जे। आई को हम कॉनेस में कैसे पढ़ेंगे? ई ई इंजेक्शन, ई ई इंपोर्ट, ई ई इंजेक्शन, ई ई इंसेक्ट। अभी आप लोग फोनिक्स में पढ़ेंगे ना, इनकी द माउस इज माय पेट, तो आपको पता लग गया ई ई इंजेक्शन, ठीक है बच्चों। ये देखें, ये है आई, आई एन ई, ये टू लाइंस में आएगा, ठीक है, और ये है जे, ये देखें जे, जैमन जेली, जैमन जेली, जी घी ऑन टेबलेट, ये सब आपको मिलेगी जॉनी फॉलिक्स के लिंक्स में, ठीक है। वहां से आप लोग इसको सर्च करके तो आप लोग कुछ याद करें जैसे अपनी टीचर ने याद किया। चले आज मेरे साथ मैं आपको ट्रेसिंग करना सिखाती हूँ। ये देखिए कि हमारा पेन है, ये हमने इसको ट्रेस करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है टू लाइन्स पे, तो ये हमारा बन जाएगा आई और ऊपर छोटा सा डॉट लगा देंगे, ठीक है, और ये हमारा जे बन जाएगा थ्री लाइन्स में। ये देखिए थ्री लाइन्स में हमारा जे बन जाएगा, ट्रेस कर दिया ना टीचर ने, ये देखिए डॉट्स भी लगा दिए। अच्छा जी, अब अगेन मैं आपको एक बार रिवाइज